तो भाई ये सुबह सुबह हम खाने आए हैं राजमा चावल, 20 रुपए में है ये राजमा चावल, कढ़ी चावल, रायता। अच्छा टेस्ट करके देखते हैं। ये देखो भाई, इसके अंदर कढ़ी है, चने छोले की सब्जी, राजमा और चावल, प्याज और घी डाला है। ये सामने ही है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के सामने ही लगाते हैं। ये देखो भाई, नर्सरी घूमने के बाद हम ये इनके लॉ कॉलेज में आए हैं और इनकी क्लास ये है। टाइमिंग होगी, कहाँ पे हैं स्टूडेंट्स? अपन लेट हो गए। हम लेट हो गए। ओके ये था भाई हमारे सेकंड होस्ट का, हम जा रहे हैं थर्ड होस्ट के पास। उससे पहले वो हमें सफारी करवाएंगे, तो सफारी के लिए हमको लेने आए। उन्होंने बोला था रूम 8 में चाबी दे देना, मैं लेट पहुंचूंगा। नींद खराब कर दी हमने। तो आज सफारी करेंगे हम। और ये बैल की चाबी है वो। ओके ठीक है, चाबी दे दी। अब मैं वॉइस मैसेज छोड़ देता हूँ उनके। ये हम हॉस्टल में रुके थे, मज़ा आया। विवेक भाई वो पहुँच गए हैं, तो मैं निकल गया हूँ और 8 नंबर में आपकी चाबी दे दी है मैंने। ये था इनका हॉस्टल। व्लॉग कर रहा हूँ मैं, आपसे नहीं बोल रहा। हाय हाय हाय, हमारे नए होस्ट। पहले मैं अभी इसमें था, अभी इसमें शिफ्ट हो गया। फिर आप जानते थे ये वाला हॉस्टल क्या? हाँ मैं आया हुआ हूँ पहले। ओके तो सन्नी भाई हमको लेने आए हैं सफारी के लिए। सफारी वाला पॉइंट यहाँ से कितना दूर होता है? यहाँ से करीब है 3.5 किलोमीटर। 3.5 किलोमीटर, ये जो पीछे पहाड़ियाँ दिख रही, झलाना सफारी बोलते हैं। ओके झलाना लेपर्ड रिजर्व है वैसे तो। ओके कंजर्वेटेड रिजर्व है। ओके झलाना सफारी के नाम से ही है। ओके तो चलो सन्नी भाई के साथ हम जा रहे हैं। है या फिर मतलब ये आप कैरी करना वहां जाने के लिए? हाँ आप बताओ कैसे करना चाहिए। इसके अंदर हम पानी वानी और वैसा वाला रख लेते हैं इक्विपमेंट वाला। ये बैग आप ले लेना, ये बैग वहां ऑफिस में मैं रख दूंगा। ओके जब हम एग्जिट होंगे तब मैं आपको ये बैग। ओके तो इसमें से थोड़ा सामान इसमें डाल लेंगे, वहां पे डाल लेंगे। ओके चलो भाई सफारी वाली गाड़ी में। वो भी मेरे होस्ट थे, वो निकल गए तो उनकी चाबी में कहीं से दे के आ गया। अभी इसमें चलो भाई सफारी करेंगे आज, मजा आएगा, मौसम भी अच्छा है। पहुंच गए सफारी स्टार्टिंग पॉइंट पे। यहाँ से 4 बजे होती है ना? हाँ 4 बजे होती है। 4 बजे होती है लेपर्ड की सफारी। लेपर्ड रिजर्व पार्क है ये। हाँ सामान मैं चेंज कर देता हूँ, छोटा वाला तैयार कर लेता हूँ। ये देखो भाई, ये छोटे से बैग में जो पासपोर्ट के लिए हमने लिया था, ये उसी में कैरी कर लेता हूँ मैं। ये एंट्री हो रही है हमारी, ये सफारी पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। बाकी दोनों बैग मैंने वहीं पर जमा करा दिए। ये वाली गाड़ियाँ जाती हैं कराने के लिए। हाय सर, आगे बाकी दो सर पता नहीं, दो अपने साथ हैं? नहीं सर के तो 3 हैं। आ रहा हूँ, ये पानी का बटन ले लो। ओके दो लोग और आएंगे अपने साथ, 6 लोग टोटल होते हैं। ओके चलो भाई, 4 बजे हमारा सफारी यहाँ से शुरू होने वाला है। और आज के हमारे गाइड हैं, आपका नाम क्या भैया? गाइड नहीं हूँ मैं, फोटोग्राफर ही हूँ। अरे आप भी? ओके कोई और ड्राइव करेगा? ओके मुझे लगा। अच्छा आप तीनों यार शंभू यार। ओके अरे भेज दो यार, तो गेस्ट आ रहे हैं बोलते हैं। नहीं आए तो फिर आप लोगों को पूरी गाड़ी कट ले पड़े। तो मियां तुमने टिकट कट चुकी है? पता नहीं वो क्या कह रहे हैं, बोल रहे हैं 2 मिनट रुक जाओ देखो आ जाए। तो
पूरी गाड़ी करनी पड़ेगी भैया, है ना, साथ में है अपने। हाँ हाँ वो तो सब इनको आप सब बता देना, सब पूरी गाड़ी करनी पड़ेगी। मैं दूर चला गया था, भैया यहीं थे, समझ रहे हो, उसको बोलो टिकट कटा। मैंने कहा ऑनलाइन टिकट है, बोले 5 मिनट इंतजार कर लो, नहीं तो चलो। 4 बजे शुरू हो गई है हमारी सफारी। आप लोग कहाँ से आए हो? सब जयपुर से। जयपुर से? ओके, लोकल है ये तो, लोकल लोग हैं। मैं ही बस अकेला बाहर से आया हूँ भाई, यहाँ से शुरू हो रही है हमारी। उनके साथ देंगे वो टिकट, गाड़ी नंबर 6244। ओके चलो शुरू करते हैं। मौसम भी अच्छा हो रहा है, काला बिल्कुल लगा असली लफड़ है सामने। हो गई है जयपुर की झलाना की सफारी शुरू, और ये लोग ले रहे हैं फोटो। मेरा तो लेंस जाएगा नहीं वहाँ तक। ये सामने का ही नहीं ले पाता, मंगूस दिखाई दे रहे हैं सामने। मंगूस की लेकर एकदम मारेंगे और यहाँ क्या क्या बोलते हैं, क्या है? ब्लैक टेल मंगूस है। ब्लैक टेल मंगूस, ओके। और है ना, इसको यहाँ पर है ना काफी वो माना जाता है। क्या मानते हैं? लकी 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 भाई साहब, आपको लग रहा है। अरे बोलो माता, आप लोगों को नाम कैसे याद रहते हैं? इस टाइगर ये लेपर्ड का नाम ये है या वो है? वो उसके पैटर्न्स होते हैं। ओके, होती है पैटर्न्स होते हैं, जैसे टाइगर के स्ट्राइप्स होते हैं, उनके स्पॉट्स होते हैं। ओके, तो आपको पता लग जाता है ये, मतलब इतने वेरिएंट होते हैं क्या वो कि? हाँ पता, बेसिकली हर एक जैसे अपने हाथ की रखाई नहीं मिलती, इनके पैटर्न्स नहीं मिलते, तो डिफरेंशिएट करना धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स पता पड़ जाता है। ये लोग बात कर रहे हैं सिम्बा युम्बा, पता नहीं मेरे को तो नाम, मैं बोल रहे हैं ये लेपर्ड के नाम इनको कैसे याद है, सबके नाम इनको पता है, बोले कौन कौन दिखे ये, कितने होंगे फिर ऐसे टोटल, मतलब जलाना 47 तो एक्चुअली देखो आइडेंटिफाइड है जो म्यूजियम में बाहर लगाया है। ओके 47 कन्फर्म्ड है। ओके, और आइडेंटिफाई किया जा चुका, उनका नाम रखा जा चुका है। ओके, टैगिंग वगैरह भी करते हैं? टैग वगैरह लगाने वाला, टैग लगाते हैं ना गले में, गले में या कहीं और? ओके, ये वाले जंगल की क्या दिखाई कॉल चल रही थी ना? कॉल चल रही है। ये वाले जंगल की सवारी तो 12 महीने होगी ना? 12 महीने, मौसम तो यहाँ पे बिगड़ गया। अभी 3-4 दिन पहले हाथी सफारी हो गई। क्या मैं लेट आया? नहीं कॉल चल रही है। बहुत नई बात बताई, इससे आइडिया लगता है कि वो आने वाला है। अच्छा अच्छा, जो रेगुलर जो आते हैं ना उनको समझ आ जाती है कहाँ किसकी कॉल चल रही है, के किलेरी वगैरह की तक से है ना, उससे तक। अच्छा, तो काफ़ी सारी चीज़ें पता चल रही हैं भाई नई। जैसे आप पहली बार आओगे ना तो आपको ऐसे जंगल जंगल सही लगेगा, मतलब समझ नहीं आएगी सारी चीज़ें। जब ये लोग जब बात कर रहे हैं तो इनसे काफ़ी चीज़ें समझ में आ रही है। जंगल जंगल सही दिख रहा है।
पर हाँ इस वाले सफारी की है कि चारों तरफ पहाड़ियाँ वगैरह के सीन आते रहते हैं। तो रणथंभौर वाली में पहाड़ियाँ वगैरह के सीन आते हैं, जंगल जंगल दिखता है पूरा? नहीं नहीं है ना, है पहाड़ी। सही है, कुछ दिखता है तो दिखाते हैं यार। दिखेंगे अभी, थोड़ा टाइम होने दें इनका, अभी कहीं आराम कर रहे होंगे क्योंकि थके हुए हैं। रात इसी के साथ में मीटिंग चल रही थी। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। ओके लपड़ दिख गया हमें शायद। उनको आ रहा है व्यू, आगे वालों को आ रहा है। दिख गया दिख गया दिख गया, दिखा है पर दूर है काफी यार। ये देखो लेपर्ड। ओके जा रहा है वो, देखो लेपर्ड जा रहा है। जयपुर में हम झलाना जंगल सफारी कर रहे हैं और यहाँ पे दिखा है हमें अभी लेपर्ड। और वो भाई साहब आंखों से जो दिखता है ना, ओ तेरी। रोड पे ही चलते जा रहा है, रोड पे ही चलते जा रहा है। ओ घुस गया जंगल में। आ गया आ गया आ गया। तो ये भाई यहाँ पे एक छोटी सी गैलरी भी है, इसके अंदर आए हैं हम अभी। लास्ट के टाइम पे हमें दिखा अभी लास्ट में ना। अच्छा वहाँ पे चांस थे और रिकॉर्ड भी किया हमने उनमें भी। ये बहुत बढ़िया, ये डिटेल्स ऑफ झालाना है। हाँ ये कैसे मतलब डेवलप किया है, और पहले यहाँ पर टाइग्रिस भी हुआ करते थे। ओके 1943 के आसपास। हाँ अभी लेपर्ड्स हैं बस। तो ये सब यहाँ पर जो है, लास्ट राजमाता गायत्री देवी ने यहाँ पे टाइग्रेस का हंट किया था। ओके महारानी गायत्री देवी जयपुर से, और उसके जो 5 कब्स थे उनको जो है दूसरी जगह मतलब। अभी कितने लेपर्ड्स होंगे टोटल? ये 23 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है लगभग, इसके अंदर आपके लगभग 42 के आसपास लेपर्ड्स हैं। 42 ओके। ये देखो ऊपर भी जो प्रिंट व्रिंट सब है ना, पूरा ये लेपर्ड का ये आईडी चार्ट है। हाँ ये इनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो। अच्छा हाँ वो बोल वो बात कर रहे थे बागीरा। एग्जैक्टली तो सभी को आईडी किया हुआ है, ये विदाउट कॉलर है, पूरा नेचुरल हैबिटेट है। ओके और यहाँ पर ये जो इनके रोजेट पैटर्न्स होते हैं ये आप देख रहे हो। हाँ, हाँ, ये सबके हाँ। ये अलग अलग होते हैं, ईच लेपर्ड कैन बी डिफरेंट जो है ना, आइडेंटिफाइड जो करते हैं वो यूनिक रोजेट पैटर्न्स की वजह से करते हैं। ये सब यहाँ पर मेंशन है। अभी समझा मैं। तो ये मतलब जैसे ये इसका कटप्पा नाम है, तो कटप्पा एक ग्रुप है मतलब। exactly, जो ऐसा दिखता मतलब है सबको कटप्पा बोला जाता है। पुराना लेपर्ड है और ये बहुत सारी फाइट इसने की है, टेरिटरी भी की है और मेटिंग फाइट्स भी की है। तो ये इसका एक कान नहीं है, उसकी वजह से उसको वो थोड़ा अच्छा कटप्पा का जो है नाम दिया गया। अच्छा तो वो ना अभी बात कर रहे थे ऐसे सफारी में, ये वाला टाइगर ये वाला लेपर्ड लाइक जैसे ये जलेबी है, तो आपने जलेबी देखी होगी। यहाँ से आप कवर करो, ये जो पूरा राउंड होता है ये इस तरह से घूम के यहाँ पे बंद हो जाता है। अच्छा ये अंदर से स्टार्ट करोगे तो ये जलेबी का जो बाहर मतलब जैसे हमारे फिंगरप्रिंट होते हैं अलग अलग, तो इनके रोजेट पैटर्न्स अलग होते हैं। ओके साइज पैटर्न डिफरेंट वो अलग होते हैं उनके। ओके ये कुछ लेपर्ड्स के यहाँ पर फोटोग्राफ। तो यहाँ पे ये जो पूरी ये सारे यहीं के हैं। हाँ लेपर्ड्स के अलावा यहाँ पर जो है स्ट्राइप्ड हाइना है। ओके इंडियन हाइना भी बोलते हैं हम लोग। डेजर्ट फॉक्स है, गोल्डन जैकल है। मजा आया, एनवायरनमेंट भी अच्छा था यहाँ का। काफी छोटा फॉरेस्ट है और सबसे मेन इसकी जो खूबसूरती है सर वो ये है कि शहर के बीचों बीच है। के तो इसलिए क्या है कि थोड़ा सा साइटिंग चांसेस भी अच्छे रहते हैं, क्योंकि कम एरिया के अंदर काफी पॉपुलेशन है लेपर्ड्स की, कि यहाँ पर जो मैमल्स हैं अवेलेबल उनका है ये सब। वाइल्ड एयर है, इंडियन एयर भी बोलते हैं, सांबर डियर हो गया, स्ट्राइप हाइना, गोल्डन जैकल, मॉनिटर लिजर्ड्स, और ये कुछ बर्ड्स हैं जो यहाँ के लोकल भी हैं देन माइग्रेटरी भी हैं। ओके कैमरा ट्रैप इमेजेस। हाँ ये इसकी बात कर रहे थे, वो कैमरा लगा करते हैं। ये वाटरिंग होल्स के हैं, मेल फीमेल साथ में है, ये फीमेल अकेली है, हाइना है। तो वाइल्ड लाइफ में अगर आपको इंटरेस्ट है तो भाई आ जाओ दिल्ली के सबसे पास, जो आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगी मेरे ख्याल से ये, और उत्तराखंड में एक और है, और दिल्ली के पास तो मतलब मेरे को यही लगता है, और क्या वो जिम कॉर्बेट,
जिम कॉर्बेट है वहाँ पे। तो अगर वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट है तो आ जाओ भाई, झलाने में काफ़ी चांस है। लेपर्ड साइटिंग के लिए आप देखें तो पैन इंडिया सबसे अच्छी नियरेस्ट क्लोजेस्ट साइटिंग यहीं पर होती है। हाँ, लेपर्ड की संख्या तो यहीं पे ज़्यादा है पूरा, ये तो लेपर्ड। बाकी पूरे राजस्थान में अरावली हिल्स हैं तो सब जगह लेपर्ड मिल जाएंगे क्योंकि इंडियन स्पीसी है। अच्छा, लेकिन उसके बावजूद प्रॉपर सफारी जो करा है, जो साइटिंग जो है ना, जितना नज़दीक से आप लेपर्ड को देख सकते हो उसके इवन उसके स्पॉट्स भी आप जो है काउंट कर सकते हो, इतना नज़दीक से जो साइटिंग है वो झलाना में। पैन इंडिया आप कहीं से भी ट्राई करें। चलो, मज़ा आया, सन्नी भाई ने हमको यहाँ पे घुमाया। अब सन्नी भाई हमें अपने अकोमोडेशन पे भी छोड़ देंगे राहुल भाई के पास, जिन्होंने हमको ये पूरा स्पॉन्सर किया और कांटेक्ट किया। उनका डिस्क्रिप्शन में मैं कांटेक्ट दे दूंगा, तो कांटेक्ट कर सकते हो आप। प्राइजेस वगैरह उनसे ही पूछना क्योंकि सीज़न के हिसाब से चेंज होंगे या जो भी है, तो ये तो उससे ही होगा। गवर्नमेंट के हिसाब से सिस्टम रहता है, अभी जो रेट्स चल रही हैं बाद में वो रहेंगी या चेंज हो जाएगी वो उसके ऊपर। हाँ, चलो, वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। अभी हम जा रहे हैं, थोड़ा सा रहेंगे, तीसरे होस्ट है हमारे राहुल भाई। चलो, कल दिखाएंगे बाकी अगर कुछ हुआ तो। बाय बाय।